खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सुनीता जी के बारे में कहना चाहता हूँ कि वाकई ये बहुत ही हमारी बहुत ही हसमुख और अच्छी नेक दिल लेडी है और हमारी दोस्त है। हमको इस बात पे बड़ी खुशी होती है, बड़ा फख्र होता है कि हम उनके दोस्त हैं। और फिल्मी दुनिया फिल्म से हमारी शुरुआत हुई थी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आज इनका बर्थडे है, तो आज हमारे पूरे भारत के लिए बहुत गर्व का दिन है, क्योंकि एक तो सुनीता जी का बर्थडे है, ऊपर से आज दूरदर्शन का बर्थडे है। तो दूरदर्शन का बर्थडे है, मोदी जी का भी है। मोदी जी का भी है, अच्छा मोदी जी का बर्थडे है, तो मोदी जी के लिए तो हम ही उल्टे पलट मार के। और ये हमारी सुनीता जी का बर्थडे है, फिल्मी दुनिया से मिली थी और आज हाउसफुल है इनका, तो मतलब पूरी तरह से ये समझ लीजिए कि फिल्मी हस्ती का जन्मदिन है। और रमेश गोयल जी साथ में मौजूद है, साथ में हमारे सुपरस्टार मौजूद है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इनका जो बर्थडे है इनको चाहने वालों के वजह से बहुत ही स्पेशल और बहुत खास हो चुका है। सर आप क्या कहेंगे सर? हमें ये एकदम शॉर्ट में बताना। शॉर्ट में ये है कि सुनीता जी के साथ में मैंने बहुत काम किया है, काफ़ी फिल्मों में, सीरियल्स में, और ये बहुत अच्छी इंसान है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, और इनका दिल जो है बहुत ही मुलायम है, हर आदमी को जो है अपने हिसाब से जो है प्यार करती हैं, हमसे भी प्यार करती है, इसीलिए हम सब लोग यहाँ पर हैं। मेरे साथ में स्टार जो है हमारे सुनील पाल जी हैं, तो ये तो कहना चाहिए अगर जिस घर में आ गए वहाँ जो है मतलब संपन्नता ही संपन्नता है, लकी मैन, ही इज़ वेरी लकी स्टार, जिस घर में जाता है वहाँ संपन्नता आ जाती है। तो मुझे पूरा यकीन है कि सुनीता जी की प्रॉस्पेरिटी इस बर्थडे के बाद में बढ़ेगी, क्यों सुनील पाल जी हैं और यहाँ तमाम यार दोस्त सब काफ़ी कलाकार हैं, टेक्नीशियंस हैं, आप लोग हैं, सबके जो है आशीर्वाद चाहिए, दुआएं चाहिए कि ये आगे तरक्की करें। मेरी शुभकामनाएं सुनीता जी, ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय, सी यू, गुड लक, थैंक यू। आज बहुत खुशी का मौका है, सुनीता जी का जन्मदिन है, साथ ही में मोदी साहब का जन्मदिन है, और जैसा कि सुनील पाल जी ने बताया कि दूरदर्शन का जन्मदिन है, तो आज ये मतलब ट्रिपल धमाका है, ट्रिपल तलाक तो आपने सुना होगा कि आज ट्रिपल धमाका है, और इतनी खुशी का मौका है, देखिए खुशियों से फूली नहीं समा रही है, और आज हम इस खुशी के मौके पे आए हैं। मोदी डीडी और दीदी तो आज हम इस खुशी के मौके पे आए हैं, इनको बधाइयाँ देने, इनकी खुशियों में सम्मिलित होने के लिए, तो बस हम चाहेंगे कि ये आगे बढ़े, यही प्रॉस्पेरिटी करते रहे और अपना यूं ही इनका कारवां चलता रहे, सब इनके साथ प्यार मोहब्बत से जुड़े रहे और हम भी इनके साथ ऐसे ही जुड़े रहे। वी ऑल आर विद हर, मोदी जी ने भी शुभकामनाएं दी हैं, ऑल आर विद हर, शी इज वेरी नाइस लेडी, वेरी नाइस, हमारी प्यारी बहन सुनीता बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत जल्द मैं इनको पार्टी दूंगा और उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमारे पार्टी में महिलाओं का सम्मान है मित्रों, ये भी आगे चलकर स्मृति ईरानी बन सकती है। और अमित शाह कहेंगे भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया है और भाई नरेंद्र मोदी ने भी ये समर्थन दिया है कि सुनीता जी इन पर कोई धारा नहीं लगेगी, क्योंकि ये अपने आप में शुद्ध धारा है। तो रिश्ते में हम सबके बाप लगते हैं, नाम है अमित शाह, और इनके साथ में सबका आशीर्वाद है, चाहे अभिनेता हो या नेता हो, तमाम दोस्तों का आशीर्वाद है, प्यार है, आप ऐसी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि हंसने वाले की ही हस्ती है, बाकी तो सब जबरदस्ती है। और इसी तरह से अपने आप को मेंटेन करें, ये देखिए कितने साल से काम कर रही है लेकिन आज भी ऐसा लग रहा है जैसे घर से अभी आई हैं, मुल्क छोड़ के अभी आई हैं, बॉम्बे में मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है। यस, मैं आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी मैडम, आप बताइए कि क्या कहना चाहेंगे? साल के अंदर मनाया तो किस तरह, मतलब खास कौन सा बर्थडे रहा, कुछ यादगार? मेरा बर्थडे यादगार मैं बताऊँ कि मैंने कंट्री क्लब में बर्थडे मनाया था, जिसमें जितनी मीडिया थी मैंने लाइव मीडिया को गणपति जी की मूर्ति गिफ्ट किए थे, और हमने इतना लाइव बर्थडे मनाया, मीडिया में जो बर्थडे मनाया था हमारा, इतना बर्थडे लाइव था जिसमें राजपाल यादव से लेकर हर कोई आया था।
राइट, तो हमने इतना हमारा हमने बर्थडे मनाया, उसके बाद हमने दूसरा बर्थडे मनाया तो टाइम अगेन में मनाया था, जिसमें सलमान जी से लेके टीपी अग्रवाल से लेके हर लोग मीडिया के आए थे, हमने इतना टॉप लेवल का बनाया। बचपन का कोई याद जो बर्थडे आप पहला बर्थडे मनाया थे उसका कोई याद है? बचपन में कभी हमने बर्थडे नहीं मनाया, हमारा किसी ने बर्थडे नहीं मनाया, ये इनका बचपन ही था। हम पहली बार ही हमें यहाँ मुंबई में आके सीखे थे कि बर्थडे कैसे बनता है। अब ये कुछ छोटी है, इनका बचपन शुरू हुआ है, अभी से इन्होंने बर्थडे मनाना शुरू किया बॉम्बे में आने के बाद, राइट। लेकिन हमने कभी बर्थडे देखा ही नहीं बर्थडे कैसे बनता था, लेकिन हमने तो बर्थडे मुंबई में आने के बाद सीखा। अभी आप बात बहुत शानदार बर्थडे मनाती हैं, इसी तरह से मनाते रहिए, हम सब लोग आशीर्वाद है, शुभकामनाएं। आज भी हम बर्थडे थोड़ी मनाने वाले थे, आज भी हमें आफ्टरनून तक हमें नहीं पता था कि हम बर्थडे मनाएंगे। अचानक से बहुत सारे केक काटे, केक सब में बटा भी है।